सभी को नमस्कार। भीलवाड़ा जिले के अंदर कोविड-19 कोरोना के जो केसेस है उसके बारे में मैं आप सभी से बात करना चाह रहा हूं। भीलवाड़ा जिले में और मुख्य रूप से भीलवाड़ा शहर मुख्यालय में केसेस काफी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। मुख्य रूप से आजाद नगर, बापू नगर, शास्त्री नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर, आरके कॉलोनी, आरसी व्यास कॉलोनी, पथिक नगर, सुभाष नगर, गांधी नगर, गुलमंडी, जूनावास इत्यादि कॉलोनी से ज्यादा संख्या में केसेस मिल रहे हैं। इसमें कुछ आईएलआई के केसेस भी मिल रहे हैं और कुछ पॉजिटिव केसेस के क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो थे वो पॉजिटिव के रूप में भी सामने निकल के आ रहे हैं। रैंडम और सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में भी कुछ कपड़े की दुकान वाले, सब्जी वाले, सलून वाले तथा ज्वेलर्स की दुकान के भी कुछ लोग पॉजिटिव मिले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही मैसेज करना चाह रहा हूं कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। आरके व्यास, आरसी व्यास, सुभाष नगर, पथिक नगर इत्यादि कॉलोनी में लॉकडाउन घोषित किया गया है और काफी सारी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं निश्चित रूप से चल रही है। आवश्यक वस्तुओं की सुविधाएं डोर टू डोर होम डिलीवरी से भी हो रही है। मेरा आप सभी लोगों से ये आग्रह है कि इन कॉलोनीज में जो हमने अभी बताया जहां केसेस ज्यादा संख्या में आ रहे हैं उन सभी जगह पे हमारी एएनएम और आशा की टीम सर्वे कर रही है। उस टीम को ये सहयोग करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ चीजें ये सामने आई है कि कुछ जो सेकंड फ्लोर पे लोग हैं, थर्ड फ्लोर पे हैं या इवन ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं तो जांच नहीं करवा रहे हैं। बेसिकली उनके पास थर्मल गन दिया है और पल्स ऑक्सीमीटर दिया है, ये दो ही चीजें हैं। वो पूरी सावधानी से जांच करते हैं, वो खुद ही सैनिटाइजेशन करके सारी चीजें करते हैं और बहुत ही एक या दो मिनट का एक समय लगता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आईएलआई सर्दी खांसी बुखार के कोई व्यक्ति घर में है तो उसकी जानकारी जरूर दे और अन्य कोई तकलीफ है, विशेष करके जो उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और जिनको बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इत्यादि की पहले से ही तकलीफ है, उन लोगों को विशेष सावधानी को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक पैम्पलेट हमने तैयार किया है जिसमें आयुर्वेदिक उपाय बताए गए रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के, जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण से हमारा बचाव हो सके, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहे। तो मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप आयुष की मंत्रालय की गाइडलाइन की भी पालना घर बैठे जरूर करें। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अभी भी चौपाटी, पार्क इत्यादि जगह पे गोलगप्पे खाते हुए चाट पकौड़ी की दुकानों पे काफी लोगों की भीड़ दिख रही है। आप लोग अगर संयम बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो ये संक्रमण से हम सभी बच सकते हैं। निश्चित रूप से सख्ती अपनी जगह होगी, जागरूकता ऑलरेडी हो चुकी है, सबको सारी चीजें पता है, किंतु अगर आप खुद सावधानी रखेंगे तो अपने स्वयं का और अपने परिवार का बचाव कर सकेंगे। तो कोशिश यही करें कि ऐसी जगह से आप जो भी खाने पीने की चीजें हैं पैक करके टेक होम अवे इस तरह से कर लीजिएगा, जिससे कि वहां बैठ के खाने के संपर्क मामले के दौरान आपका संपर्क अलग अलग जगह आके संक्रमण नहीं फैले। अंत में यही कहूंगा, संक्रमण से बचाव करना, अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेना, अब खुद को ही आपको सोचना है, इसलिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना, विशेष करके बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, कोमोरबिड व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले और भीड़ वाली जगह पे जाने से बचे और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालना सुनिश्चित करें। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन।
कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।